बन जाए। नीच पापी निकृष्ट, चला ऐसा बाप पहली बार जिंदगी में देखा कि अपने बेटवा के खिलाफ बैठ के पुलिस स्टेशन में गवाही दे रहा है। बर्बाद बर्बाद किए बगैर अदरसुआ की जिंदगी मानेगा नहीं ही प्रोफेसर। बस चले ना तो खुली जिंदगी में भूसा भर दे सड़क। कुत्ता पढ़े लिखे हैं दादा, हमरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। अरे कहा संदे जी, ये आदर्श प्रोफेसर साहब के सगा बिटवाने ना कहा। केसर की भाई इका कह रही है। अरे सही कह रही है रे घंटी लाल। अरे जाऊन जाऊन देखेगी वही तो बोलेगी। एक तो तुम्हारे वो प्रोफेसर साहब है निपोरी बहुत कमाल के विचित्र, और दूसर उनके बिटिया है वो और समाज सुधारक, दोनों सच्चाई के जौना बिगुल बजावे निकले हैं। अरे पता नहीं कौने जन्म के दुश्मनी ये बाप और बिटिया निकाल रहे हैं वो आदर्शवा से। अरे लाज के मारे तो हम यू नहीं कह पाए कि ये जो है प्रतिज्ञा हमारी बहुलिया है, बहुलिया नहीं बोल पाए। हेमा भाई कहाँ लेके आए रे? अरे इतना मने छोला भटूरा कह लिया है। अरे अब सवेरे से कोनो ग्राहक आया नहीं ढाबे पे, तो हम सब ले आए, सोचा खराब हो जाएगा। बन ए बाबा, ए हमारा बाबा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुमको, समझा? इंसान की जिंदगी में ना उतार चढ़ाव ही वे करता है। भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। ए पियसिया, ले जा तू ये सब छोला भटूरा, ले जाके रसोई में रख। आज कम खाना बनाना, हम सब लोग मिलके ना ही छोला भटूरा सधाई देंगे। अरे हमरे लिए खाना बनाई देना भाई, खाएगी सब, हमको नहीं पचेगा। ठीक है तो आपके लिए दो थोड़ी रोटी सेक देवे, बाकी हम लोगों का तो छोला भटूरा बहुत ही पसंद है। तू ही पड़ेगा अभी चटाक, बहुत पसंद नहीं, बिठाई के खिलाई देंगे। जाए यहां से। ए बाऊजी, ए दाढ़ी वाले बाबा, क्या हुआ? काय है गुस्से में से लाल पीले नीले हो रहे हो, क्या हुआ? का बाबा इतने टाइम दिमाग बहुत हमारा चटा हुआ, माथा खराब है, अबे मुंह से कुछ जद बद निकल जाएगा तुमको बुरा लगे। बस शांत रहो यार, आयन वक्त पे अगर न पहुंचते ना तो हमरे आदर्शवा की जिंदगी एकदम बर्बाद थी, वो भी उकरे बाप की वजह से। चला अरे यार तुम बहू जी, मतलब यार तुम का है लगे पड़ो उका जेल से छुड़ाने में, तो तुमको क्या मतलब है? अरे गलती किया उका, उका एहसास होने दो उका, हैं? तभी ना सुधरेगा तुम्हारा आदर्श। अरे रह दे उका जेल में, तभी समझेगा कितनी बड़ी गलती किया वो। वाह बेटा वाह, आज तुम हमको हमारी गलती का एहसास करा रहे हो। ठीक है बेटा, तुम आओ ना अपने ससुर और अपनी मेहरारू की भाषा बोल रहे हो। अरे भूल गए साले जी, हम तुमको जेल से छुड़ाए के लिए आए थे, हा? तब मुझसे को बार तुम्हारे नहीं निकला कि नहीं बाबूजी हमको यहाँ जेल यात्रा पे रहा दो, हैं? हमको सुधरने का मौका मिलेगा साले, आज हमको सलाह दे रहे हैं। वही तो गलती होगी, तुम नहीं सुधारे हम गाय। अब हमका गलती की सजा मिल गई होती तो फिर हम ऐसे नहीं होते ना अभी। बताओ
फिर का ही सब करते जो हम अभी करते हैं। एक छोटी सी गलती और सब कुछ हमारा सपना जो है बर्बाद करके रख। माथा बहुत खराब है, मिजाज मत और ज्यादा कर्म करो यार तुम। अरे आप इसको काहे इतना डांट रहे, इसमें इसके का गलती है? ये अपनी बोली नहीं बोल रहा, ये हमारी प्रतिगवा के कारण बदला है, आपकी बहुरिया के कारण। हाँ आप ही तो कहते थे ना कि हमरी बहुरिया ई कैदी, हमरी बहुरिया ऊ कैदी, तो हमरा बाबा भी तो आज उहे कह रहा है, तो इसमें इतना गुस्साने की का बात है भाई? आज हमरे घर में जौन कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, सब प्रतिज्ञा की वजह से, इसकी वजह से सब अच्छा हो रहा है घर में। और आप ही तो इसको सात आसमान पे चढ़ा के रखे, तो आज इतना काहे चढ़ रहे हैं? का गलत बोल रही है बेचारी, बताइए का गलत बोल रही है? ये बोल रही है ना कि जौन बात गलत है वो गलत है और जौन बात सही है वो सही है, तो इसमें इतना गुस्साने की कौन सी बात हो गई भाई? ज्यादा नरक भोवे की जरूरत न, मरे जूतन के भाई सर्त कर देंगे तुमको। ज्यादा बड़ाई करे के कोनो जरूरत नहीं है, समझोगे ना? हमको हमको मालूम है कौन सड़क कितने पानी में है। अरे जौन औरत अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करे पे तुली है, उसे और का उम्मीद की जा सकती है? भाई तो भाई, ये तो बबुआ को भी चाहती थी कि हमारा बबुआ जो है ये जेल में सड़ता रहे। ममता नाम की चीज है ना, अपनी वाहवाही अपनी पीठ ठोकने में सबसे आगे, साला पता नहीं कहां से हमरे समझे में भूल हो गई। सारे देवी देवता धर्मात्मा सब हमारी को मिले हैं, भाई की कोनो चिंता न परिवार की कोनो फिकर, सब साले सूल सूल बोते फिर रहे हैं सूल। तो सारी बर्बादी की जड़ तो ये किसना बहु है, किसना बहु? सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं बाप बिटिया। अरे हेलो, अरे सुनो सुनो, इधर यहाँ आओ। अरे का हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? हाँ अरे यहाँ आओ ना। ये सब क्या है? ये कंबल है, ऐसे लग रहा है सालों से धोया ना गया हो। जाओ हमारे लिए एक साफ सुथरा कंबल लेकर आओ, और हाँ इतने मच्छर काट रहे, कुछ मच्छर का जुगाड़ करो, जाओ कोई कॉइल वॉल लेके आओ। अरे तुम खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रहे हो यार? पकड़ो इसे, ये लेके जाओ। और हाँ तुम्हारा इंस्पेक्टर पूछे तो बोलना ठाकुर सज्जन सिंह के दामाद ने बोला ये सब लाने को, जाओ जल्दी। अरे जाओ ना, क्या देख रहे हैं साहब? साहब साहब, ये बैंक वाले को बहुत खुजली हो रही है साहब। साहबी ठाकुर सज्जन सिंह का रोप दिखाकर हमसे नया कंबल और ये क्या कहते मच्छर मारने वाला काइल मांग रहा है साहब। ठीक है तो उसके मुंह से बोली फूटेगी ही। सज्जन सिंह का दामाद जो है दे दो यार, जो मांग रहा है दे दो। अब सज्जन सिंह कह के गए हैं कि इस दामाद का ख्याल तो इस ससुराल में रखना ही पड़ेगा ना, जाओ यार दे दो।
और हाँ सुनो, अरे मॉस्किटो कॉइल तो होगा नहीं, ये लो मेरे से पैसे ले लो और लाके वहां लगा दो। और हाँ, वो पंखा उसके अंदर लगा दे, उसको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। उसकी सेवा में कमी हुई ना तो मान लो कि हमारा वजन भी कमी हो जाएगा। जाओ। प्रतिज्ञा बन जाए।